अगर आप ठान ले तो आप किसी भी क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं। ये बात सोलन की रजत रवि और चेतना बंसल साबित कर रहे हैं। रजत रवि ने अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया और अब वह बॉलीवुड में बतौर कोरियोग्राफर काम कर सोलन और हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि रजत चेतना ने बॉलीवुड का सॉन्ग मेरी बारी है में बतौर कोरियोग्राफर काम किया है। यह सॉन्ग गायक मीत ब्रदर्स का है और फेमस स्टार बॉय ने रैप किया है। इस गीत को करीबन 1 मिलियन दर्शक 4 दिनों में देख चुके हैं। गायक मीत ब्रदर्स के बहुत से गाने बेबी डॉल, बेफिक्रा, चिटिया गलाइयां और बॉस जैसे बेहतरीन गाने युवाओं के दिलों में छाप छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि रजत रवि बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान के शागिर्द रह चुके हैं। 10 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रजत और चेतना प्रिंस नरूला के साथ में भी बतौर कोरियोग्राफर कार्य कर चुके हैं। वहीं उदित नारायण, मास्टर सलीम, सुजाता और मिक्का के साथ भी वह स्टेज करते आ रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए चेतना बंसल और रजत रवि ने बताया कि उन्होंने शुरुआती तौर पर गायकों के साथ डांस करते थे। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें हतोत्साहित भी किया, लेकिन वह इसी क्षेत्र में नाम कमाना चाहते थे और अपने आप को सही साबित भी करना चाहते थे, इसलिए वह हर बात को सहते रहे। आज उन्हें बताते हुए गर्व हो रहा है कि वह बॉलीवुड में बतौर कोरियोग्राफर काम कर रही है। अब सभी लोग उनकी बेहद तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर उन्हें बेहद अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि वह कैसे किया जाता है, ये बात बहुत मायने रखती है। और अगर कोई भी कार्य लगन और मेहनत से करते हैं तो कामयाबी अवश्य मिलती है। इसलिए आपका जो शौक है उसे आप प्रोफेशन बनाएं, लोगों की टिप्पणियों पर ध्यान न दें, आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। एक होप थी कि हम कब मतलब बॉलीवुड का कोई ऐसा सॉन्ग आए जो हम करें और उससे हमारा एक बॉलीवुड में एंट्री हो जाए। तो हमारा एक हाल ही में सॉन्ग आया है अभी, मीत ब्रदर्स कॉन्फेशन मेरी वारी है, वो 3 मई को रिलीज़ हुआ था। तो वो हमारा पहला सॉन्ग है बॉलीवुड का और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो हमने बॉलीवुड के किए हैं जो भी रिलीज़ हुए हैं। जब सर मैंने डांस स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग, इवन अभी भी काफ़ी रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ हिमाचल की, तो हिमाचल में लोग अभी भी डांस को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के लोग हो, इवन फैमिली भी। तो मुझे बहुत चीज़ें इस चीज़ में मैंने बहुत सारी सिचुएशन जो फेस की है, फैमिली को भी काफ़ी मतलब टाइम लग गया मुझे सपोर्ट करते। तो जब मैंने डांस स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया। लेकिन अब जब हम लोग एक अच्छे लेवल पर काम करने लग गए हैं तो लोग सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार देते हैं खूब। तो काफ़ी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप अपना लेवल धीरे धीरे आपका लेवल अप होने लग जाता है तो लोगों को वो चीज़ पता चलती है कि नहीं, आप किसी अच्छी जगह पे जा रहे हो। और मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी जो हमेशा कहते हैं कि डांस में सिर्फ आप तब तक कर सकते हो जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं या जब तक आपको लग रहा है माइंड से, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने इससे बहुत अर्निंग की है, अपनी फैमिली को बहुत कुछ दिया है, खुद को बहुत स्टेबल बनाया है इसी प्रोफेशन से। तो अगर जिन जिन लोगों को शौक़ है कि हम इसमें कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आप लोगों की बातें मत सुनिए कि लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छी लाइन नहीं है, ये तो अर्निंग का एक बस थोड़े टाइम पीरियड तक आप कमा सकते हो, उसके बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो लेटेस्ट हमारा सॉन्ग आया है ये मीत ब्रदर्स का सॉन्ग है और इसमें जो रैपर है वो स्टार बॉय है। तो इसमें हमारी कोरियोग्राफी रही है मेरा रजत एंड चेतना का, और आने वाले टाइम में हमारे 2-3 सॉन्ग्स और आने वाले हैं जिसमें हमारी कोरियोग्राफी रहेगी। एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग किया तो सोलन से ही किया है, और मेरे एक टीचर हैं विशाखा दी, तो उनसे मैंने डांस सीखा था। उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, मैंने सरोज खान मैम से 2 साल डांस सीखा, उसके बाद उनके साथ काम किया, फिर लॉकडाउन के दौरान मैं सोलन आ गया। उसके बाद सोलन में ही माशुल नील के पास से बहुत काम मिला, तो यहीं से काम कर रहा हूँ और बॉलीवुड तक काम कर रहे हैं सोलन में रह के। हमारे जो हिमाचल के कई सिंगर्स हैं जैसे AC भारद्वाज हैं, कुलदीप शर्मा सर हैं, और भी कई सिंगर्स हैं जो जिनके मैंने सॉन्ग किए हैं, जैसे AC भारद्वाज जी का मैंने सॉन्ग किया था डम डम डिगा डिगा, और शिव की शरण, और भी काफ़ी सॉन्ग्स हैं। कुलदीप शर्मा सर का धमाका किया था मैंने अभी, और बाकी भी कई गाने हैं जो हमारे आने वाले हैं, हिमाचली भी एंड पंजाब के भी बहुत गाने हैं जो हमने किए हैं। और ग्रुप्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि ग्रुप्स में जैसे लड़के लड़कियां होते हैं उनको हैंडल भी करना है, गर्ल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि घर से अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल भी कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये है, ऐसा है। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम अच्छी जगह काम करें, अच्छी तरह से करें, खुद को अच्छी तरह से तैयार करके,
करे काम तो मतलब अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत अच्छा रिएक्शन है और अब खुश भी होते हैं कि नहीं जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे थे तो हमें वो चीज़ मिली है। सबसे ज़्यादा खुशी तो सर अभी हुई है जब इतना बड़ा सॉन्ग किया है और सबका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है, सबका आशीर्वाद भी मिल ही रहा है।